ना वी आर गोइंग टू डिस्कस मड्यूल नंबर वन एटी सिक्स डी स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज़ द केस स्टडी अबाउट अल्थ वर्कर मैरी इज आ हेल्थ केयर वर्कर इन हर फिफ्टीज तकरीब पचास साल की एक खातून मैरी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही थी एंड शी वॉज अल्थ वर्कर शी काट हर फुट इन अ पीस ऑफ टॉर्न स्टील कारपेट एंड फैल एक कारपेट जो ज़मीन के ऊपर बछाया जाता है उसके अंदर एक पीस था टूटा हुआ कह लें या सुराख कह लें उसके अंदर उसका पाउप फंस जाता है और वो घिर जाती है शी वॉज इनिशियली डायग्नोज विद द ब्रोकन फिंगर शुरू में जो डायग्नोज़ किया गया कि इसकी जो फिंगर है वो टूट चुकी है हाउ एवर शी सब्सिक्वेंटली डिवेल्प आर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बाद में उसको न्यूरो प्रॉब्लम भी पैदा हो गई ब्रेन की वजह से एंड लास्ट मोस्ट ऑफ यूज ऑफ आर लेफ्ट आर्म और उसका जो लेफ्ट साइड का बाजू है उसमें भी प्रॉब्लम पैदा हो गई शी वर्क वो दोबारा काम पर नहीं आ सकी रिजल्ट उसके नतीजे में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ी अब ये जो केस स्टडी है डी स्टूडेंट्स इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं शी टेल्स हर स्टोरी एज फॉलो आई हैव हैड ओवर थर्टी ईयर्स इन दिस जॉब वो जो मैरी खातून है वो तीस साल से इस जॉब में काम कर रही है एंड आई हैव वर्कड इन द सेम रेजिडेंशियल केयर होम फॉर मोस्ट ऑफ दो थर्टी ईयर्स और ये जो रेजिडेंशियल रेलू नुमा घर कह लें हाउस वो हाउस कह लें होम कह लें या रेजिडेंशियल फ्लैट कह लें वहाँ पर वह खातून तीस साल से जॉब कर रही थी आई हैव enjoyed माई वर्क वो ये हमें बयान कह रही है कि हमेशा मैं अपने काम को एंजॉय करते थे आई वॉज़ नॉन फॉर माई डेडिकेशन सर्विस एंड फ्रेंडलीनेस मैं अपनी डेडिकेशन सर्विसज की वजह से और दोस्ताना रवैया की वजह से बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में समझने वाली खातून थी ओवर द ईयर कुछ साल गुजरने के बाद आई हैव रेज थाउजेंड ऑफ़ योरो फॉर द केयर होम मैंने इस केयर होम के लिए बहुत ज़्यादा फंड रेज़ किया योरो में जो कि इस आर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल चीज़ थी इन द मॉर्निंग एक सुबह में आई बिगेन टू वॉक अप स्टेयर टू गेट द रेजिडेंट्स अप मैं रेजिडेंट्स के ऊपर जाना चाहती थी एक सुबह मैं उठती हूँ और वॉक करना शुरू करती हूँ ऊपर जाने के लिए एज ए वार्क ऑफ द फर्स्ट स्टेयर जूँ ही मैं पहली मंजिल के ऊपर पहुँचती हूँ फर्स्ट स्टेयर के ऊपर आई ट्रिप्ट ऑन दॉल्स सेक्शन ऑफ़ कारपेट एंड फेल फॉरवर्ड तो मेरा जो ही पाँव उसके ऊपर स्टेयर पहली के ऊपर जाता है पहली सीढ़ी के ऊपर तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो पीस एक कारपेट का फटा हुआ है उसके अंदर मेरा पाँव फंस जाता है और मैं आगे की तरफ गिर जाती हूँ एज ए गाटऑप जू ही मैं उससे उठती हूँ आई डिडेंट फील एनी थिंग मैं कोई चीज़ महसूस नहीं कर रही थी हव एवर वेन आई लुक डाउन जब मैंने नीचे देखा आई सा दैट टॉप ऑफ माई रिंग फिंगर मेरी जो रिंग फिंगर है अबव दी नकल वाज नो स्नो वाइट इन कलर तो उसका कलर चेंज हो चुका था बेंट अप वर्ड्स टूवर्ड मी और ये मेरी तरफ तो झुकी हुई थी यानी कि उसकी जो रिंग फिंगर है उसके अंदर प्रॉब्लम पैदा हो गई वो ब्रोकन थी या उसमें कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो जो ख़तून है वो हमें बता रही है कि मेरी वो फिंगर बेसिकली टूट चुके थे आई न्यू मैं जानती थी स्ट्रेट अवे दैट आई हैड ब्रोकन माई फिंगर कि मैं अपनी जो फिंगर है वो तोड़ चुकी हूँ आई वॉज नॉट इन पेन एट द पॉइंट उस वक्त वो ख़ातून कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में नहीं थी एंड आई रिमेंबर थिंकिंग और मैंने ये महसूस करना शुरू किया दैट आई मस्ट गेट द रेजिडेंट्स अप फॉर द ब्रेकफास्ट मैंने फील किया कि मुझे वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए जाना चाहिए उन लोगों की ब्रेकफास्ट के लिए सो विद हेल्प ऑफ अ कुलीग एक अपने कुलीग की मदद से आई जस्ट टुक माई वेडिंग रिंग्स ऑफ जो उसकी शादी की वेडिंग रिंग थी अंगूठी थी वो कहती है मैंने कुलीग की मदद से उसको वहाँ से उतारा बैंक जो बैंडेज है वो उसको लगवाती है बैंडेज माई फिंगर एंड कंटिन्यू जॉब ऑफ गेटिंग द वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखती है फाइनेंशियली वो खातून बता रही है आई एम वर्स ऑफ वो मैं बहुत ज़्यादा अब नुकसान में जा चुकी हूँ कैसे आई गेट अप माई सिख पे मुझे सिर्फ वहां पर सिख जो बीमारी की हालत में पे होती है वो मिल रही थी बट आई हैव लास्ट क्या कुछ उसने लूज कर दिया ऑल द एक्स्ट्रा पेमेंट जो वो एक्स्ट्रा पेमेंट्स ले रही थी वो शादी का उसने लॉस कर लिया आई यूज टू गेट सो ऑल माई ओवर टाइम पेमेंट्स जो ओवर टाइम पेमेंट्स थी पांच बजे के बाद अगर वो जॉब करती थी छः सात आठ बजे तक अब वो ओवर टाइम काम नहीं कर रही थी इसलिए उसको पेमेंट नहीं हो रही थी लॉन्ग वीकेंड्स जो सैटरडे संडे की वो ड्यूटी कर रही थी लॉन्ग वीकेंड जब उसकी भी पेमेंट उसको नहीं हो रही थी एंड बैंक हॉलीडेज़ जब इंसान जॉब पे पर स्टूडेंट्स होता है तो उसके बीच में जो छुट्टियाँ हैं उसकी पेमेंट उसे मिलती है लेकिन जब वो कोई शख्स जॉब पर ही नहीं है तो उसको बैंक हॉलीडेज की पेमेंट भी नहीं मिल रही थी दैट्स आल गॉन नाउ ये तमाम चीज़ें वो ख़ातून लूज़ कर चुकी थी किस वजह से क्योंकि उसकी फिंगर टूट चुकी थी वो घर थी बेड रेस्ट पर थी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ रही थी तो ये तमाम चीज़ें वो मिस कर रही थी टोटल इम्प्लाई कास्ट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवेंटी टू योरोवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी टू यो लास्ट सैलरी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड लास्ट ओवर टाइम पेमेंट सेवन थाउजेंड मेडिकल एंड ट्रेवल एक्सपेंसिस ये टोटल इम्प्लाई कास्ट है जो उसके अंदर इस इंसिडेंट्स में अकर्ड हुई टोटल इंप्लायर कास्ट ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी फोर टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेल्व योरो कास्ट ऑफ इंजर्ड इंप्लाई टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेल्व सैलरी कास्ट ऑफ रिप्लेसमेंट स्टाफ अब ये वो कास्ट है जो एम्प्लॉर्ज ने बी की ऊपर वाली कास्ट एम्प्लाई ने बी की अब ये जो सारी केस स्टडी है डी स्टूडेंट्स ये एक ओपन एंडेड केस स्टडी है जिसके अंदर हमारे लिए मैसेज है ऑर्गेनाइजेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से अगर अपने सब्जेक्ट का टॉपिक देखा जाए टाइटल देखा जाए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी तीनों चीज़ों की यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं की गई इस केस स्टडी में इस ऑर्गेनाइजेशन में इस ऑर्गेनाइजेशन में, में अगर वर्किंग एन्वायरमेंट ठीक होता वो जो कारपेट था वो फटा हुआ ना होता हाइपोसिस है वो खातून के गिरने के चांसेस कम थे वो क्लियर कट बता रही है कि वो जो पीस उसका फटा हुआ था उसके अंदर उसका पाँव आता है जिसकी वजह से वो आगे को गिर जाती है तो ये पहली रीज़न कि हेल्दी वर्किंग एन्वायरमेंट नहीं है नंबर टू इस पे जो इंस्पेक्शन थी वहाँ पे जो लोग जो फ्लोर इंचार्ज था उसने इंस्पेक्शन नहीं की सेकंड रीज़न थर्ड रीज़न अब वो जो ख़ातून है उसकी फिंगर जो टूट चुकी है कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है क्या ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन कर रही है अगर ऑर्गेनाइजेशन ओन कर रही है तो क्या इसकी ट्रीटमेंट उसने करवाई है अगर ट्रीटमेंट करवाई है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म इस एम्प्लाई को अपने साथ कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए था अगर वो कंटिन्यू रख रही है अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होनी चाहिए जो कि वो आसानी से परफॉर्म कर सके तो सब चीज़ों से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये जो इम्प्लाई है ये ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर सेट्सफाइड होता तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिटायरमेंट की तरफ मूव ना करता है इसने रिटायरमेंट क्यों ली है क्योंकि उसका ख्याल है कि अब वो हेल्दी वर्किंग एन्वायरमेंट में उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो इस काबिल नहीं है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन अगर उस एम्प्लॉय के साथ अच्छा ट्रीट करती उसको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करती और उसको बताती कि आपकी जगह आज भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है तो इस तरह उस एम्प्लॉय को रिटेन रखती जब आर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को रिटेन रखती हैं तो इंडिविजुअल गोल डिपार्टमेंटल गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होते हैं इसका अल्टीमेटली फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है और ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा वर्ड्स ऑफ माउथ भी डेवलप होता है इसकी स्टडी को डे स्टूडेंट्स हम कंक्लूड यूँ कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने एस ओ पीज़ फॉलो नहीं किए ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट इम्प्लाइज़ को नहीं दिया और उसके बाद इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई रिप्लेसमेंट ऑफ कारपेट होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह को इंसिडेंट ना हो और जो लोग इसके रिस्पांसिबल थे उनको पनिश नहीं किया बल्कि वो जो इंप्लाई है वो डिसार्ड होकर ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट लेके कर रिटायरमेंट लाइफ स्पेंड कर रहा है इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी बड़े लाश से बचा जा सके